बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू आर स्टूडेंट्स। मैं आपका ट्यूटर रज़ा लतीफ़ फ्रॉम गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज समुंदरी। कोर्स टाइटल न्यूमेरिकल एनालिसिस 2, कोर्स कोड MTH 602, लेक्चर नंबर 26 डिलीवर करने जा रहा हूँ। आज हमारा न्यू टॉपिक होगा, इसमें हम एप्लीकेशंस ऑफ इम्प्रूव्ड आइलर्स मेथड इन न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने इम्प्रूव्ड आइलर मेथड का रिजल्ट जो था, स्टेटमेंट एंड प्रूफ, इसको कंप्लीट राइट किया, अंडरस्टैंड किया। और आज हम अपने लेक्चर्स में एप्लीकेशंस ऑफ इम्प्रूव्ड आइलर मेथड को अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं। और आज के लेक्चर से रिलेटेड जो एप्लीकेशन होंगी वो डिस्क्रिप्शन में आप सभी स्टूडेंट को PDF फाइल लिंक शेयर कर दिया जा रहा है। और आप सभी स्टूडेंट्स को जितनी भी वो एप्लीकेशन परफॉर्म करने के लिए दी गई हैं, आपने उनको नीट एंड क्लीन अपने नोट्स के अंदर राइट कर लेना है। और जो आज का लेक्चर है इम्पोर्टेंट है, प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका प्रूफ किया वो भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन करते हैं कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर 1 है स्टेटमेंट सॉल्व y डैश इक्वल है y प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव के लिहाज से, ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव जो रिजल्ट है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के लिहाज से वो हमें गिवन है कि y डैश इक्वल y प्लस एक्स स्क्वायर है। और इस पे जो कंडीशन है y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, इट्स मीन यहाँ पर x नॉट की वैल्यू 0 है और y नॉट की वैल्यू यहाँ पर 1 है, ठीक है। सो y ऑफ x नॉट इज इक्वल टू y नॉट, इट्स मीन कि y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। और यहाँ से आपने जो कैलकुलेट करना है वो है फॉर इवेल्यूएट y ऑफ 0.02, ये आपने कैलकुलेट करना है, यानी y ऑफ 0.02 क्वेश्चन मार्क कॉमा y ऑफ 0.04 क्वेश्चन मार्क एंड आल्सो y ऑफ 0.06 क्वेश्चन मार्क बाय यूजिंग इम्प्रूव्ड आइलर्स मेथड करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। यानी जो आपने अपना आंसर लिखना है, करेक्ट योर आंसर अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस के अकॉर्डिंग बताना होगा। तो इसमें आपको इम्प्रूव्ड आइलर मेथड का प्रेडिक्टर और करेक्टर स्टेप जो प्रीवियस लेक्चर नंबर 25 में आप सभी स्टूडेंट को अंडरस्टैंड करवाया वो आपको बहुत अच्छे अंदाज में आना चाहिए। जैसे जैसे मैंने वहाँ पर वो प्रेडिक्टर करेक्टर को आपको अंडरस्टैंड करवाया, वो दो फार्मूलाज जो हैं वो आपके माइंड में रहने चाहिए, ओरली आपको आने चाहिए, देन आप इम्प्रूव्ड आइलर मेथड को परफॉर्म इजिली कर सकते हो। तो कंटिन्यू करते हैं, सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं आइडियर स्टूडेंट्स। इसके लिए हमें ना गिवन ये है, सॉल्यूशन है गिवन डैट वाई डैश जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो इक्वल है कैपिटल एफ इंटू एक्स कोमा वाई। इसी को हम लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल है वाई प्लस एक्स स्क्वेयर। यानी वाई डैश आपको ऐसे दिया हुआ है कि वाई प्लस एक्स स्क्वेयर के इक्वल है, ठीक है। तो मैंने ये कैपिटल एफ इंटू एक्स कोमा वाई इसलिए लिखा क्योंकि एप्लीकेशन में यूज होना है, ठीक है ना। तो इसके लिए नीचे कंडीशन है वाई ऑफ जीरो इज इक्वल टू वन, इट्स मीन कि एक्स नॉट की वैल्यू जीरो है, वाई नॉट की वैल्यू वन है। और जो स्टेप साइज है ये भी आपको गिवन है, क्योंकि आपने 0.02, 0.04, 0.06 पे कैलकुलेट करनी है वैल्यूज, तो उनका जो डिफरेंस आ रहा है वो 0.02 का आ रहा है, इसलिए आपने वो ऑब्जर्व खुद करना होता है। ये मैं आपको अगेन बता देता हूँ, मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि y ऑफ 0.02 आपने कैलकुलेट करना है, y ऑफ 0.04 कैलकुलेट करना है, y ऑफ 0.06 को कैलकुलेट करना है। तो इनमें जो डिफरेंस आता है 0.04 और 0.02 के बिटवीन जो डिफरेंस है 0.02 का है, ऐसे ही 0.06 और 0.04 के बिटवीन जो डिफरेंस है वो भी 0.02 है। तो फिर आपने कैलकुलेट जो करना है इसमें ये जो वैल्यूज इनमें डिफरेंस कितना होगा वो आपको आना बहुत ज़रूरी है। ये इक्वी स्पेस्ड की हम बात कर रहे होते हैं, इक्वी स्पेस्ड का आपको आइडिया होना ज़रूरी है, देन आप अपनी बात को कंटिन्यू कर सकते हो। स्टेप साइज इट्स मीन एच जो है वो इक्वल है, एच इज इक्वल 0.02, ये आपका इक्वी स्पेस्ड डाटा के अकॉर्डिंग स्टेप साइज हो गया। ऑनवर्ड अब हम अपने फॉर्मूले की तरफ मूव करने लगे हैं, सिंस वी नो डैट इम्प्रूव्ड आइलर्स मेथड फॉर्मूला कैन बी रिडन एज। तो ये है आपके पास प्रेडिक्टर स्टेप और करेक्टर स्टेप। तो प्रेडिक्टर स्टेप और करेक्टर स्टेप को हमने यहाँ पर राइट किया हुआ है, ये आपके पास है प्रेडिक्टर स्टेप, ये जो मैं आपको सर्कल आउट करके बता रहा हूँ, ये जो फर्स्ट आपके पास लाइन है दिस इज नोन एज प्रेडिक्टर स्टेप। तो इसको मैंने यहाँ पर एक्सपेंड प्ले किया है ताकि वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करके हम अपने एप्लीकेशन की तरफ जा सकें आसानी से। तो ये मैं आपको
रीड आउट पहले कर देता हूँ कि ये है u सबस्क्रिप्ट n प्लस हाफ इक्वल है y सबस्क्रिप्ट n प्लस एच बाई टू कैपिटल एफ इंटू एक्स एन कॉमा वाई एन। अब यहाँ से आपने क्या बात करनी है कि ये जो आपके पास h की वैल्यू है यहाँ पर आप पुट कर देंगे, यानी h की वैल्यू 0.02 है तो 0.02 को आपने 2 पे डिवाइड करना है तो आपका ये बन जाएगा 0.01। फिर आपने कैपिटल एफ फंक्शन को जो आपके पास गिवन फंक्शन है वाई डैश इज इक्वल वाई प्लस एक्स स्क्वायर, उसमें एक्स एक्स को एक्स एन में रिप्लेस कर देना है और वाई को आपने वाई एन में रिप्लेस कर देना है, तो ये आपके पास बन जाएगा वाई सबस्क्रिप्ट एन प्लस एक्स सबस्क्रिप्ट एन इसका स्क्वायर हो गया। तो ये आपके पास आ गया यू सबस्क्रिप्ट एन प्लस हाफ इक्वल है वाई सबस्क्रिप्ट एन प्लस 0.01 स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट वाई एन प्लस एक्स एन का स्क्वायर, यानी ये आपके पास वाई डैश की वैल्यू आ गई, यानी कैपिटल एफ इंटू एक्स कोमा वाई के लिहाज से। तो इसे हमने कह दिया इक्वेशन नंबर वन। तो ये आपके पास ऐसे प्रेडिक्टर स्टेप जनरेट हो गया, सही हो गया। अब यहाँ पर हम जब अप्रोक्सीमेशन की तरफ जाएंगे तो इसमें वैल्यूज को पुट कर देंगे। ऑनवर्ड हमने अब मूव करना होता है करेक्टर स्टेप। ये जो आपके पास ऐसे ये फर्स्ट लाइन लिखी हुई है, ये जो आपको सर्कल आउट किया जा रहा है, ये है करेक्टर स्टेप। अब हम इसके लिए अपनी बात को कंटिन्यू करते हैं। यू सब्सक्रिप्ट एन प्लस वन इक्वल है वाई सब्सक्रिप्ट एन प्लस एच कैपिटल एफ इंटू एक्स सब्सक्रिप्ट एन प्लस हाफ कॉमा यू सब्सक्रिप्ट एन प्लस हाफ। अब यहाँ पर भी आपने यही बात करनी है कि जो स्टेप साइज एच है इक्वी स्पेस्ड के लिए एच की वैल्यू को पुट करेंगे और एच की वैल्यू है 0.02, वही मैंने यहाँ पर लिखी हुई है 0.02। और कैपिटल एफ फंक्शन को ऑपरेट करना है, यहाँ पर देखें यहाँ पर एक्स की जगह आ रहा है एक्स सब्सक्रिप्ट एन प्लस हाफ और वाई की जगह आ रहा है यू सब्सक्रिप्ट एन प्लस हाफ, ठीक है। तो जो आपके पास गिवन फंक्शन है उसमें है वाई डैश इक्वल वाई प्लस एक्स स्क्वायर, तो आपने वाई को यू सब्सक्रिप्ट एन प्लस हाफ में इंटरचेंज कर देना है। वो देखें यू सब्सक्रिप्ट एन प्लस हाफ प्लस एक्स को आपने इंटरचेंज कर देना है जो आपके पास गिवन फंक्शन है, एक्स को रिप्लेस कर देना है एक्स सब्सक्रिप्ट एन प्लस हाफ, तो ये हो गया एक्स सब्सक्रिप्ट एन प्लस हाफ और इसका स्क्वायर। उसके बाद ऑनवर्ड हमने यहाँ पर मैंने आपको ये अंडरस्टैंड करवाना है कि जो एक्स सब्सक्रिप्ट एन प्लस हाफ होता है इसको आप कैसे ऑपरेट करेंगे, ये इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पर। तो इसको अंडरस्टैंड करने का ये आइडिया है, ठीक है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको यही बताया था कि मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा एप्लीकेशंस में, यानी कि आज हम अपनी एप्लीकेशन कर रहे हैं तो एप्लीकेशन में हमें इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए कि ये जो एक्स सब्सक्रिप्ट एन प्लस हाफ है ये कैसे ओपन होगा। जब ये आपको ओपन करना आएगा तो आप अपने इम्प्रूव्ड को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप यहीं पे स्टॉप हो जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि ये अब यहाँ से हाफ कैसे ख़त्म किया जाए, क्योंकि आपकी जो रियल लाइन की जो वैल्यूज़ होती हैं रियल फील्ड की जो वैल्यूज़ हैं वो तो आपने पॉइंट के बगैर यूज़ करनी होती हैं विदाउट पॉइंट्स, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पर पॉइंट के बगैर विदाउट पॉइंट्स आप उन वैल्यूज को कैसे ऑपरेट कर सकते हो, हमने यहाँ पर अपने शिफ्ट ऑपरेटर को यहाँ पर अप्लाई करवाना होगा। शिफ्ट ऑपरेटर के अकॉर्डिंग हम ना एक्स सब्सक्रिप्ट एन प्लस वन बाई टू को ले सकते हैं, एक्स सब्सक्रिप्ट एन प्लस वन बाई टू को ले सकते हैं एच बाई टू, यानी कि हाफ, यानी कि आपके पास जो हाफ होगा वो एच के साथ इक्वी स्पेस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ये जो वन बाई टू है ये वाला ये एच के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये जो सर ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये आपके पास शिफ्ट ऑपरेटर यहाँ पर अप्लाई हुआ है किसके अकॉर्डिंग, एक्स सब्सक्रिप्ट एन प्लस हाफ के ऊपर। अब ये नहीं आपने कहना यहाँ पर ई शिफ्ट ऑपरेटर दिखाई नहीं दे रहा तो हम इसको कैसे यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ये आपका न्यूमेरिकल सॉल्यूशन में न्यूमेरिकली प्रॉब्लम को सोल्व करने का ये एक अंदाज़ है कि जब भी आप अपने कोई भी वैल्यूज़ को परफॉर्म कर रहे हो तो अगर उसमें सब्सक्रिप्ट में कुछ टर्म्स लिखी हुई हैं तो वो अप्लाई आपके पास जो होती हैं शिफ्ट ऑपरेटर के ही अकॉर्डिंग सोल्व हो रही होती हैं, वही हमने यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स सब्सक्रिप्ट एन प्लस एच बाई टू। अगर यहाँ पे होता फर्ज करें एक्स सब्सक्रिप्ट एन प्लस थ्री बाई टू तो ये आना था एक्स सब्सक्रिप्ट एन प्लस थ्री एच बाई टू, सही है। तो ये अब हम ना इसको सोल्व करते हैं, इस करेक्टर स्टेप को ओपन करते हैं, ये आएगा वाई सब्सक्रिप्ट एन प्लस वन इक्वल होगा वाई सब्सक्रिप्ट एन प्लस, ये आपके पास एच की वैल्यू 0.02 है स्केयर ब्रैकेट वाई यू सब्सक्रिप्ट एन प्लस हाफ प्लस, और ये आपके पास जो एक्स सब्सक्रिप्ट एन प्लस वन बाई टू का स्केयर है इसको हमने लिख दिया एक्स सब्सक्रिप्ट एन प्लस एच बाई टू का होल स्केयर।
अब आपने यहाँ पर जो h है इसकी वैल्यू को पुट कर देना, h की वैल्यू 0.02 है और उसको 2 पे डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 0.01। ये हमने लिख दिया नेक्स्ट स्टेप में, बाकी ये कम्प्लीट स्टेप आपका एज इट इज़ है, देख सकते हैं। यानी ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप आपका सेम एज इट इज़ है, जस्ट आपने इस h की जगह 0.02 पुट किया, फिर उसको 2 पे डिवाइड किया, तो ये आपके पास स्टेप बन गया है 0.01। उसके बाद हमने इसे क्या देखो, ये नंबर 2। अब हम ऑनवर्ड अपनी अप्रोक्सीमेशन को परफॉर्म करने लगे हैं। आइटरेशन नंबर 1 जो है ये कुछ इस अंदाज में है कि इसके लिए आपने पुट करना है फॉर n इज इक्वल टू 0, इट्स मीन फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। तो आपके पास x नॉट की वैल्यू जो गिवन है, x नॉट इज इक्वल टू 0 है और y नॉट इज इक्वल टू 1, ये भी आपको गिवन है, इसको हम पुट करने लगे हैं क्वेरी नंबर 1, इट्स मीन प्रेडिक्टेड स्टेप, एंड इन क्वेरी 2, इट्स मीन करेक्टेड स्टेप। तो ये आपके पास हो जाएगा u हाफ, n की वैल्यू हमने प्रेडिक्टेड स्टेप में 0 पुट की, तो ये बन गया u हाफ इक्वल y नॉट प्लस 0.01 ब्रैकेट स्टार्ट y नॉट प्लस x नॉट का स्क्वायर। और फिर आपने ना यहाँ पर y नॉट की वैल्यू पुट करनी है 1, यहाँ पे y नॉट की वैल्यू 1, x नॉट की वैल्यू पुट करनी है ये देखें 0, तो यहाँ पे 0 का स्क्वायर आ जाएगा। फिर आपने कैलकुलेटर की मदद से इतने पार्ट को कैलकुलेट करना है, सॉल्व करना है, यानी कैलकुलेटर आपका होना चाहिए FX991ES+, ठीक है, जिस पर हम फंक्शन वगैरह राइट करते होते हैं, वो आपके पास कैलकुलेटर होना है और उसकी अकॉर्डिंग आपने जब इसको कैलकुलेट किया, सॉल्व किया, और आपने अपने कैलकुलेटर को पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेसेस तक फिक्स भी कर लेना है, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाता है 1.010, ठीक है। तो ऑनवर्ड हम अपने करेक्ट स्टेप को फाइंड करते हैं, ये है, यानी कि आपने n की वैल्यू 0 पुट करनी है करेक्ट स्टेप में, ये जो आपके पास कोई नंबर 2 है इसमें आपने n की वैल्यू 0 पुट करनी है, तो आपके पास स्टेप जनरेट हो जाएगा y1 इक्वल y0 प्लस 0.02 ब्रैकेट स्टार्ट u हाफ प्लस ब्रैकेट स्टार्ट x नॉट प्लस 0.01 इसका स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर y नॉट की वैल्यू जो है वो है 1, ये देख सकते हैं y नॉट की वैल्यू 1 यहाँ पर पुट करनी है, और u हाफ की वैल्यू जो आपने अभी प्रेडिक्टर में फाइंड की है, u हाफ की वैल्यू है 1.010, इसको आपने यहाँ पे पुट कर देना है u 1/2 के लिहाज से, यानी यहाँ पर आपने u हाफ की वैल्यू पुट करनी है u हाफ की वैल्यू आएगी 1.010 प्लस x नॉट की वैल्यू 0 आ जाएगी। फिर आपने इतने रिजल्ट को कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व कर लेना है, तो आपका आंसर आ जाता है 1.020। तो 1.020 ये आपके पास किस अंदाज में परफॉर्म हुआ है, वाई वन का आंसर। वाई वन को हम लिख सकते हैं वाई वन इक्वल वाई ऑफ वन जो है ये इक्वल होगा वाई ऑफ एक्स वन के, ठीक है। तो वाई ऑफ वन इक्वल वाई ऑफ एक्स वन है, और एक्स वन आपके पास किसके इक्वल है 0.02, और यही हमने कैलकुलेट करना था। वाई ऑफ 0.02 क्या क्वेश्चन मार्क था कि ये किसके इक्वल है, तो y ऑफ 0.02 इक्वल आ गया है 1.020 के। तो ये हमने इवेलुएट कर दिया कि आपके पास y ऑफ 0.02 न्यूमेरिकल सॉल्यूशन के लिहाज से किसके इक्वल आएगा, तो वो आपने ये परफॉर्म कर दिया है बाय द हेल्प ऑफ इम्प्रूव्ड आयलर मेथड। ऐसे ही अब हम अपनी सेकेंड अप्रोक्सीमेशन परफॉर्म करेंगे, अप्रोक्सीमेशन नंबर 2 फॉर पुट n इज इक्वल टू 1, इट्स मीन कि आपके पास फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन n इज इक्वल टू 1 है, तो ये x1 इक्वल हो जाएगा 0.02, y1 इक्वल 1.020, ठीक है, y1 आपके पास प्रीवियस आइटरेशन है, इनको पुट करना है क्वेरी नंबर 1 एंड क्वेरी नंबर 2 में, यानी प्रेडिक्टर के अंदर और करेक्टर में। तो ये आपके पास हो जाएगा u प्रेडिक्टर स्टेम में, जब आप n की वैल्यू 1 पुट करेंगे ये आपके पास हो जाएगा u 3/2 इक्वल होगा y1 प्लस 0.01 ब्रैकेट स्टार्ट y1 प्लस x1 का स्क्वायर। फिर आपने y1 की वैल्यू पुट करनी है 1.020, y1 की वैल्यू यहाँ पर भी 1.020 और x1 की वैल्यू 0.02, और जब आप इसको कैलकुलेटर की मदद से सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाता है 1.030। उसके बाद आपने करेक्ट स्टेप में आ जाना है, y2 यानी कि n की वैल्यू आपने 1 पुट की, तो y2 इक्वल y1 प्लस 0.02 ब्रैकेट स्टार्ट u 3/2 प्लस ब्रैकेट स्टार्ट x1 प्लस 0.01 का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दी। फिर यहाँ पर y1 की वैल्यू आपने 1.030 पुट करनी है, u 3/2 की वैल्यू y1 की वैल्यू आपने पुट करनी है 1.020 और
यू थ्री बाई टू की वैल्यू पुट करनी है 1.030, ये देख सकते हैं एक मिनट, वाई वन की वैल्यू ये वाली है 1.020, यू थ्री बाई टू की वैल्यू ये वाली है 1.030, एक्स वन की वैल्यू 0.02 है। अब इनको आपने कैलकुलेटर की मदद से सोल्व कर लेना है तो आपका आंसर आ जाएगा 1.041। और ये हमने किसके लिहाज से वैल्यू परफॉर्म किया, वाई टू, और वाई टू इक्वल होगा वाई ऑफ एक्स टू के, तो वाई ऑफ एक्स टू के अकॉर्डिंग ये बनेगा वाई ऑफ 0.04, यहाँ पर एक्स टू की वैल्यू 0.04 है, तो वाई ऑफ 0.04 आपका आंसर आ गया 1.041। यही हमने सेकेंड वैल्यू फाइंड करनी थी, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। सेम यही हमने क्राइटेरिया थर्ड अप्रोक्सीमेशन के लिए करना है। तो अप्रोक्सीमेशन नंबर थ्री में क्या है, अप्रोक्सीमेशन नंबर थ्री में फॉर एन इज इक्वल टू टू है, तो इसके लिए आपके पास एक्स टू हो जाएगा 0.04 और वाई टू हो जाएगा 1.041। इनको पुट करना है कोई नंबर वन कोई नंबर टू, ये जो वाई टू है ये प्रीवियस आइटरेशन नंबर टू में से आपने फाइंड आउट किया, और एक्स टू आपका जो रियल फील्ड लाइन है 0.04, जो आपने अपने रियल फील्ड में से पॉइंट को चूज़ किया हुआ है, क्योंकि एक्स वन आपके पास 0.02 है और एक्स टू आपके पास 0.04 है, ऐसे ही एक्स थ्री अगर होता तो वो 0.06 होना था। तो जब आप ना एन की वैल्यू टू पुट करोगे प्रेडिक्टर्स टाइम में, तो ये हो जाएगा यू फाइव बाई टू इक्वल होगा वाई टू प्लस 0.01 ब्रैकेट स्टार्ट वाई टू प्लस एक्स टू का स्केयर, फिर यहाँ पर वाई टू की वैल्यू आपने पुट करनी है 1.041, ये देख सकते हैं यहाँ पे भी वाई टू की वैल्यू यही आ जाएगी, एक्स टू की वैल्यू 0.04 आ जाएगी, फिर आपने इसको कैलकुलेटर की मदद से सोल्व कर लेना है तो इसका आंसर आ जाएगा 1.051। तो यू फाइव बाई टू की वैल्यू आ गई है 1.051। उसके बाद आपने क्रेटस स्टैम्प में आ जाना है, क्रेटस स्टैम्प एन की वैल्यू टू पुट करनी है, तो वाई थ्री इक्वल हो जाएगा वाई टू प्लस 0.02 ब्रैकेट स्टार्ट यू फाइव बाई टू प्लस एक्स टू प्लस 0.01 का स्केयर ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर वाई टू की वैल्यू पुट कर देंगे, वाई टू की वैल्यू देख सकते हैं 1.041 है, यू फाइव बाई टू की वैल्यू है 1.051 और एक्स टू की वैल्यू आपके पास है 0.01। नो यहाँ पर सॉरी एक्स टू की वैल्यू है 0.04 है, ये वाली है 0.04, यानी जब आपने ये सभी वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर दिया तो आपके पास फाइनली इसका आंसर आ जाएगा 1.062। और ये किसके लिहाज से वैल्यू फाइंड किया, वाई थ्री के लिहाज से, वाई थ्री आपके पास इक्वल होगा वाई ऑफ एक्स थ्री, इट्स मीन वाई ऑफ 0.06, यहाँ पर एक्स थ्री की वैल्यू 0.06 है और ये आपने कैलकुलेट आंसर कर दिया 1.062, हैंस विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर बाई द हेल्प ऑफ इम्प्रूव्ड आयलर मेथड इन न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू की स्टेटमेंट है सॉल्व डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल है 1 माइनस वाई, डी वाई बाई डी एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट वाई डैश के इक्वल है, या फिर आप इसे ये भी कह सकते हैं कैपिटल एफ इंटू एक्स कोमा वाई, और वाई ऑफ जीरो जो इनिशियल आपके पास कंडीशन है वाई ऑफ जीरो इक्वल है जीरो, इट्स मीन यहाँ पर आपके पास एक्स नोट की वैल्यू है जीरो, वाई नोट की वैल्यू है जीरो, ठीक, इन द रेंज जो आपके पास रेंज है एक्स की वो है बाउंडेड फॉर्म में, लोअर बाउंड ए होती है, अपर बाउंड बी है, लोअर बाउंड ए की वैल्यू यहाँ पर जीरो है, अपर बाउंड बी की वैल्यू यहाँ पर 0.3 है, तो रियल फील्ड आपकी 0 और 0.3 के बिटवीन रहनी चाहिए और इनके बाउंडेड पॉइंट्स भी लाई करने चाहिए, मतलब आपने 0 से स्टार्ट किया 0.3 पे क्लोज किया बाय यूजिंग इम्प्रूव्ड आयलर्स मेथड। आपने इम्प्रूव्ड आयलर मेथड के अकॉर्डिंग अपनी एप्लीकेशन को परफॉर्म करना है करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस विद एच इज इक्वल टू 0.1, जो इसका स्टेप साइज है एच इज इक्वल टू 0.1 है, इसके अकॉर्डिंग आपने सोल्व करना होगा। तो डी वाई बाई डी एस आपका वाई डैश कैपिटल एफ इंटू एक्स कोमा वाई और ये इक्वल 1 माइनस वाई, ये हमने गिवन में लिखना है, और जो आपके पास इसकी कंडीशन है वाई ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, ये हमने लिखना होगा। तो इसका सोल्यूशन कुछ इस अंदाज में है, सोल्यूशन है गिवन डैट डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल है वाई डैश इक्वल है कैपिटल एफ इंटू एक्स कोमा वाई और ये इक्वल है 1 माइनस वाई, ठीक है, ये हमें गिवन है।
और आल्सो गिवन हमें इनिशियल कंडीशन है कि वाई ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पर जो ब्रैकेट में जीरो आ रहा है ये एक्स नॉट है और ये जो इक्वल जीरो आ रहा है ये वाई नॉट है, और ये जो एच इज इक्वल टू 0.1 है ये आपके पास स्टेप साइज है जो कि इक्वी स्पेस्ड के लिए है, स्टेप लेंथ है। सिंस यहाँ से आपको नंबर ऑफ इंटरवल्स चाहिए कि आपने वो रियल फील्ड में लाइंस कितनी ड्रॉ करनी है, उस बात का आपको आइडिया होना चाहिए। तो इसमें रेंज आई हुई थी इसलिए हमने नंबर ऑफ इंटरवल्स को कैलकुलेट करना होगा। तो नंबर ऑफ इंटरवल्स एन इज इक्वल टू होगा बी माइनस ए ओवर एच, ये नंबर ऑफ इंटरवल्स को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, ये आप सभी स्टूडेंट को ऐसे माइंड में रहना चाहिए, देन आप नंबर ऑफ इंटरवल्स को कैलकुलेट कर सकते हो, ये भी एमसीक्यूज यहाँ से बन सकते हैं। तो कैपिटल स्मॉल एन इज इक्वल बी माइनस ए ओवर एच जो है ये नंबर ऑफ इंटरवल्स को शो कर रहा होता है ऑलवेज। तो बी यहाँ पर अपर बाउंड के लिए है, ए यहाँ पर लोअर बाउंड के लिए है, एच यहाँ पर स्टेप साइज के लिए है, इनकी वैल्यूज को हम पुट कर देंगे तो फाइनली आपके पास 3 आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा कि बी की वैल्यू 0.3 है, ए की वैल्यू 0 है, एच की वैल्यू 0.1 है, कैलकुलेट करके 3 आ जाएगा। फिर आपने क्या करना है, रियल लाइन में जाना है, रियल लाइन को शो करने के लिए आपने ऐसे स्केल की मदद से लाइन ऐसे ड्रॉ कर देनी है, फिर यहाँ पर आपने ऐसे स्पॉट्स लाइनिंग शो कर देनी है। ये जो इंटरवल्स हैं इसके ये मतलब होते हैं कि जो नंबर ऑफ इंटरवल्स आपके पास बन चुके हैं उससे ऑनवर्ड एक नेक्स्ट आपने स्पॉट लगाना होता है, यानी कि ये टोटल आपने 1, 2, 3 और ये 4, यानी कि नंबर ऑफ इंटरवल 3 आए हैं तो आपने एक एक्स्ट्रा लगाना होता है नंबर ऑफ इंटरवल्स के लिए, बिकॉज जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो भी लाई कर रहा होता है जहाँ से हम आप बात को आगाज़ कर रहे हैं, इसलिए तो ज़ीरो से आगाज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ज़ीरो से ऑनवर्ड हमारे पास ये यहाँ तक एक बात हो जाएगी, फिर यहाँ से हम यहाँ तक पहुँचेंगे तो ये दूसरी बात हो जाएगी, फिर यहाँ से हम जब यहाँ तक पहुँचेंगे यानी यहाँ से यहाँ तक पहुँचेंगे ये तीसरी बात हो जाएगी, इसका ये मीनिंग होता है। यानी कि यहाँ से आपने स्पॉट्स जहाँ से शुरू करना होता है उससे ऑनवर्ड जाना होता है, और ये जो इनका डिफरेंस आ रहा है वो 0.1 का डिफरेंस है, यानी 0 से 0.1 का डिफरेंस 0.1, फिर 0.1 से 0.2 का डिफरेंस 0.2 का डिफरेंस 0.1, फिर ऐसे 0.2 से 0.3 का डिफरेंस 0.1, यानी कि जो 0 से 0.3 तक ऐसे पैचेस की फॉर्म में पीसेस की फॉर्म में हम जा रहे हैं, तो 0 से 0.1 0.1 का डिफरेंस मेंटेन कर रहे हैं, ऐसे 0.1 से 0.2 मेंटेन कर रहे हैं। तो ये हमारा जो स्टेप साइज है वो इक्वी स्पेस्ड है, यानी कि h इज इक्वल टू 0.1 को होल्ड कर रहा है, h यहाँ पर 0.1 होगा, तो वो यहाँ पर हमें गिवन था, इसी को हमने फॉलो करते हुए ये बात को राइट किया। ऑनवर्ड हमारा होता है जी, हाँ ये आपको बताना था मैंने कि ये जो आपके पास 0 है ये x नॉट की वैल्यू है, ये जो 0.1 है x 1 की वैल्यू है, ये जो 0.2 है x 2 की वैल्यू है, और ये जो 0.3 है ये x 3 की वैल्यू है। सिंस वी नो डैट इम्प्रूवड आयलर्स मेथड फार्मूला कैन बी रिटन एज, तो फिर आपके पास ऑनवर्ड इम्प्रूवड आयलर मेथड की तरफ जाना होता है। इम्प्रूवड आयलर मेथड का जो फार्मूला है वो कुछ इस अंदाज में है कि u सबस्क्रिप्ट n प्लस हाफ इक्वल होगा y सबस्क्रिप्ट n प्लस एच बाई टू, यानी कि h हाफ प्लस सॉरी कैपिटल f इंटू एक्स एन कॉमा वाई एन, यहाँ पर मल्टीप्लाई है, कोई प्लस नहीं आता, ठीक है, प्लस जस्ट यहाँ पर आएगा। ये जो आपके पास ऐसे फॉर्मूला राइट किया गया है ये है प्रेडिक्टर स्टेप इन इम्प्रूव्ड आयलर मेथड। अब हम यहाँ पर h की वैल्यू को पुट करेंगे, h की वैल्यू है 0.1 और फिर 2 पे डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 0.05। तो u सबस्क्रिप्ट n प्लस हाफ इक्वल हो गया वाई एन प्लस 0.05 ब्रैकेट स्टार्ट। तो जो आपके पास फंक्शन है वो है यानी कि dy by dx इज इक्वल टू 1 - y, तो फंक्शन में आपके पास x नहीं आ रहा, सो ओनली ऑन आपने y की बात करनी है, तो y को इंटरचेंज करना होगा ओनली ऑन वाई एन में, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 - y n, इसको हमने कह दिया कोई नंबर 1। ये आपके पास जो फॉर्मूला बन गया है ये प्रेडिक्टर स्टेप का है। अब हम इसी जो प्रेडिक्टर स्टेप से अपनी एप्लीकेशंस को परफॉर्म करेंगे, और फिर हमने ऑनवर्ड करना होता है करेक्टर स्टेप। ये आपके पास है करेक्टर स्टेप का फॉर्मूला, यानी कि y सबस्क्रिप्ट n प्लस 1 इक्वल है y n प्लस एच कैपिटल f इंटू x सबस्क्रिप्ट n प्लस 1/2 कॉमा u सबस्क्रिप्ट n प्लस 1/2। ये जो आपके पास करेक्टर स्टेप है इसमें अब हम h की वैल्यू को पुट करते हैं, और यहाँ पर जो फंक्शन है इसको भी हम यहाँ पर राइट करेंगे, फंक्शन की जो आपको गिवन फॉर्म है वो हम राइट करेंगे। ये जो h की वैल्यू है
ये क्या है 0.1, ये हमने राइट कर दिया। और जो फंक्शन है ये वाला, यानी कैपिटल एफ इंटू एक्स सब्सक्रिप्ट एन प्लस वन बाई टू कॉमा यू सब्सक्रिप्ट एन प्लस वन बाई टू, इसको हम राइट करने लगे हैं। तो गिवन जो फंक्शन है उसमें है 1 माइनस वाई, तो उसमें आपके पास कह लें कि एक्स की फॉर्म नहीं है तो ये स्किप हो जाएगा, ये इतना पोर्शन, यानी एक्स वाला पोर्शन तो स्किप हो गया, जस्ट वाई वाला पोर्शन रह जाएगा, ये वाई वाला पोर्शन होगा। तो वाई को आपने किस में चेंज कर देना है, वाई को इंटरचेंज हम कर देंगे यू सब्सक्रिप्ट एन प्लस वन बाई टू, तो आपके पास ये बन जाएगा 1 माइनस यू सब्सक्रिप्ट एन प्लस वन बाई टू। तो ये जो आपके पास ऐसे स्टेप क्रिएट हो चुका है, दिस इज नोन एज करेक्टर स्टेप, इसको हमने कह दिया कोई नंबर टू। फिर ऑनवर्ड हम ना, अब ये कोई नंबर वन और एक कोई नंबर टू, यहाँ से हम यानी कि प्रिडिक्टर स्टेप और करेक्टर स्टेप से अपनी अप्रोक्सीमेशन को परफॉर्म करने लगे हैं। अप्रोक्सीमेशन नंबर वन, इट्स मीन आइट्रेशन नंबर वन, आप यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन नंबर वन लिख दें या फिर आइट्रेशन नंबर वन लिख दें, इट्स नो इशू। तो यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं, देखिएगा आइट्रेशन नंबर वन के लिए हमने लिखा फॉर एन इज इक्वल टू जीरो, इट्स मीन फर्स्ट आइट्रेशन, तो वाई नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो। यहाँ पर हमने एक्स नॉट की बात नहीं की, क्योंकि जो आपके पास रिजल्ट है यानी कोई नंबर वन कोई नंबर टू, जो आपके पास प्रिडिक्टर और करेक्टर स्टेप है, उसमें एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री ऐसे कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पर एक्स की जो वैल्यूज़ हैं, रियल लाइन की जो वैल्यूज़ हैं, वो हमने राइट नहीं करनी, सही है। इन कोई नंबर वन, इट्स मीन प्रिडिक्टर स्टेप, एंड कोई नंबर टू, इट्स मीन करेक्टर स्टेप। तो ये आपके पास यू हाफ प्रिडिक्टर स्टेप है, तो ये इक्वल है वाई नॉट प्लस 0.05, यानी कि एच की वैल्यू 0.05 है, ब्रैकेट स्टार्ट 1 माइनस वाई नॉट, ठीक है। तो यहाँ पर हमने y नॉट की वैल्यू पुट करनी है, y नॉट की वैल्यू देख सकते हैं 0 के इक्वल है, यहाँ पे y नॉट की वैल्यू 0 आ जाएगी। फिर आपने कैलकुलेटर की मदद से इसे सोल्व कर लेना है, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.050, और आपने अपने कैलकुलेटर को 3 डेसिमल प्लेसेस तक फिक्स कर लेना है। फिर करेक्टर स्टेप में आपने n की वैल्यू पुट करनी है, तो ये आ जाएगा वाई वन इक्वल है y नॉट प्लस 0.1 ब्रैकेट स्टार्ट 1 माइनस यू हाफ। फिर यहाँ पर आपने वैल्यूज़ को पुट करना है, y नॉट की वैल्यू, y नॉट की वैल्यू 0 आ जाएगी, u हाफ की वैल्यू प्रिडिक्टर स्टेप के लिहाज से, प्रिडिक्टर स्टेप अभी आपने कैलकुलेट किया है, u हाफ 0.050, u हाफ की वैल्यू 0.050 यहाँ पर पुट कर देना है। फिर आपने कैलकुलेटर की मदद से इसे सोल्व कर लेना है, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.095, और ये किसके लिहाज से वैल्यू फाइंड की है, वाई वन, वाई वन मीन वाई ऑफ एक्स वन, वाई ऑफ एक्स वन का क्या मतलब होगा, वाई ऑफ 0.1, यहाँ पर एक्स वन की वैल्यू है 0.1, तो ये आपके पास वाई ऑफ 0.1 आपने कैलकुलेट कर दिया 0.095। फिर हम मूव करने लगे हैं सेकेंड आइट्रेशन की तरफ, आइट्रेशन नंबर टू, इट्स मीन फॉर एन इज इक्वल टू वन, तो ये y ऑफ 1 इज इक्वल टू का 0.095, ये प्रीवियस आइटेशन की वैल्यू है, इसको हम पुट करेंगे कोई नंबर 1 प्रिडिक्टर में एंड कोई नंबर 2 करेक्टर में। तो प्रिडिक्टर स्टेप आपके पास हो जाएगा u3/2 इक्वल है y1 प्लस 0.05 ब्रैकेट स्टार्ट 1 माइनस y1, y1 की वैल्यू 0.095, यहाँ पे भी 0.095 आ जाएगा। फिर कैलकुलेटर में से आपने सोल्व कर लेना है, तो ये आ जाएगा 0.140, तो u3/2 का ये रिजल्ट आ गया। फिर आपने करेक्टर में जाना है, y2 इक्वल y1 प्लस 0.01 ब्रैकेट स्टार्ट 1 माइनस u3/2, यहाँ पर u3/2 की वैल्यू और y1 की वैल्यू को पुट करना है, यानी y1 की वैल्यू 0.095, u3/2 की वैल्यू 0.140। फिर आपने इतने रिजल्ट को कैलकुलेटर की मदद से सोल्व कर लेना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.181। तो y2 के लिहाज से आपने ये वैल्यू कैलकुलेट की है, तो y2 किसके इक्वल होगा, y ऑफ x2, और x2 की वैल्यू क्या होगी, 0.2, तो y ऑफ 0.2 आपने आंसर फाइंड कर लिया 0.181। फिर आपने परफॉर्म करनी होती है थर्ड अप्रोक्सीमेशन इसलिए फाइंड करनी है क्योंकि आपका जो बाउंडेड रीजन है वो आपके पास
0 से 0.3 क्लोज्ड इंटरवल के लिहाज से है, तो 0.3 तक आपने अपनी वैल्यूज़ को परफॉर्म करना है, इसीलिए हम 0.3 तक जाने लगे हैं। ये देखना 0.3 के लिहाज से हम बात को एंड कर रहे हैं, तो आपकी एंडिंग 0.3 तक होनी चाहिए थी, इसलिए हम यहाँ तक आइटरेशन को परफॉर्म कर रहे हैं। आइटरेशन नंबर 3 फॉर एन इज इक्वल टू 2, एन इज इक्वल टू का मतलब होगा आइटरेशन नंबर 3। तो इसके लिए वाई टू की वैल्यू होगी 0.181, ये आपके पास है प्रीवियस आइटरेशन। इसको हम पुट करेंगे क्वेरी नंबर 1 प्रेडिक्टर स्टेप एंड क्वेरी नंबर 2 करेक्टर स्टेप, तो ये हो जाएगा यू 5/2 इक्वल होगा वाई टू प्लस 0.05 ब्रैकेट स्टार्ट 1 माइनस वाई टू। तो यहाँ पर वाई टू की वैल्यू 0.181, यहाँ पर भी 0.181, फिर आपने कैलकुलेटर की मदद से इसे सोल्व कर लेना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.222, 3 × 2 आ जाएगा, ठीक हो गया। तो ये आपने u 5/2 का रिजल्ट कैलकुलेट कर लिया, यानी प्रेडिक्टर स्टेप की वैल्यू आ गई। फिर आपने करेक्टर स्टेप की तरफ जाना है, y3 इक्वल y2 प्लस 0.01 ब्रैकेट स्टार्ट 1 माइनस u 5/2। अब यहाँ पर y2 की वैल्यू पुट करनी है 0.181 और u 5/2 की वैल्यू पुट करनी है 0.3 × 2, यानी ये वाली वैल्यू। फिर आपने कैलकुलेटर की मदद से इतने रिजल्ट को कैलकुलेट कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.259, और ये y3 के लिहाज से कैलकुलेट किया है, तो y3 इक्वल होगा y ऑफ x3 मीन के y ऑफ 0.3, x3 की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी 0.3, तो y ऑफ 0.3 का आपने आंसर क्या कैलकुलेट कर दिया 0.259, हैंस विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर बाय द हेल्प ऑफ इम्प्रूव्ड आइलर्स मेथड फॉर्मूला एज न्यूमेरिकल सोल्यूशन ऑफ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। होपफुली आर डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर को सभी स्टूडेंट ने अच्छे अंदाज में अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अगर फिर भी किसी स्टेप में कोई कन्फ्यूजन हो, क्वेश्चन कर सकते हैं, इंशाल्लाह अच्छे अंदाज में गाइडलाइन दी जाएगी। तो ख्याल रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ब्लेस्ड।